देखो ज्यादा मत बोल तू, तेरे को ऐसा बोल दिया ज्यादा। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, मैं और निधि अभी यहाँ पे बैठे हैं धूप खाने के लिए। तो चले गाइस नीचे चलते हैं, मेरी वाइफ का मैसेज आ गया, वो अभी रेडी है, तो मेरे को भी रेडी होना पड़ेगा। और ये देखिए पीपल का पेड़ वापस आ गया, अभी बीच में मैंने निकाला था और ये वापस यहाँ पे उग गया। ये है ना, तीसरी बार उग गया। आजकल मैं ब्लॉग में है ना, मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर मेरे ब्लॉग के अंदर बहुत सारे मंकी, बिल्ली के बच्चे, कुत्ते के बच्चे, पतंगिया, बटरफ्लाई, बहुत सारे कैप्चर हो रहे हैं मेरी ब्लॉगिंग के अंदर। इंस्टाग्राम पोस्ट देखनी है तो वो भी जरूर अकाउंट विजिट करना, वहाँ पे भी मैं बहुत सारे पिक्चर अपलोड करते रहता हूँ। और अभी देखो वो बाइटी जो बिल्ली के बच्चे है और उसकी माँ है ना, वो नीचे ही है। ये रही, ये उसकी माँ है और वो ये देखो कैसे चिल्ला रही है मेरे पे। नहीं, उसको पता नहीं मेरे पे गुस्सा क्यों आ जाता है। ओके देखो यही और दोनों बच्चे देखो कैसे सो रहे हैं। आप लोगों को डर नहीं लगता है? अभी को कुत्ता आ गया तो उठा के ले जाएंगे तुम लोगों को। हम तो स्ट्रांग है। उसकी मॉम देखो वहाँ पे केयरलेस, वो बैठी वहाँ पे। ये तेरे बच्चे यहाँ पे बैठे, ले जा अपने साथ। और ये दोनों बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही वो जारी खुली रहती है ना तो फटाफट से अंदर दौड़ के चले जाते हैं, तो इसलिए हमको ये ग्रिल बंद रखनी पड़ती है। देखो ज्यादा मत बोल तू, तेरे को ऐसा बोल दिया ज्यादा मत बोल। अपने हस्बैंड के सामने ऊंची आवाज में बात करना, मेरे सामने बात मत कर, ऐसा बोल दिया। देख और ये देखिए मेरी वाइफ के नए हेयर स्टाइल। आई नो यू वेटिंग टिल द मॉर्निंग कम्स माय बेड। हेलो गाइस, अभी मैं गार्डन में आई हूँ और आज मैं जाने वाली हूँ खेलने और चलने के लिए। और ये मेरी मॉम और ये डैड। गाइस पहले मैं जब यहाँ पे आता था ना गार्डन में मेरी वाइफ और बच्चे के बिना, तो मैं यहाँ पे आके वॉकिंग करता था 15 मिनट, उसके बाद में 15 मिनट रनिंग भी करता दौड़ता था। लेकिन जब जब मैं गार्डन में आने लगा ना, तो मेरे को इन लोगों की याद आने लगी कि यार मैं अकेले यहाँ पे आता हूँ, तो बदले में मेरी वाइफ और बच्ची को लेकर आऊँ तो उनको भी मजा आएगा, उनका भी वॉकिंग हो जाएगा और वो लोग भी खेल लेंगे। ऐसे मेरे को मतलब अंदर से फिला दी थी, इसलिए मैंने क्या हैबिट कर दी कि जब भी मैं गार्डन में आता हूँ ना, तो मेरी वाइफ और मेरी बच्ची को साथ में लेके आता हूँ, ताकि उन लोगों का भी वॉकिंग हो जाए, खेलने का हो जाए, दौड़ने का हो जाए और उन लोगों का भी माइंड फ्रेश हो जाए। तो इसलिए मैं उन लोगों को साथ में लेके आता हूँ। यहाँ पर आकर ऐसा लगता है कि हमको घर पे ही नहीं जाना, बस यहाँ पे बैठे रहे। तगड़ा, वो देखो कौवा पानी पीने आया। देखो गाइस, हेलो कौवा जी, कैसे हो? अब जैसे जूमिंग करके बताने जाऊँगा ना तो उड़ जाएगा। देखो कितने सारे कौवे आ गए, देखो वाह क्या बात है। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं फिर भी वो लोग आराम से वहाँ पे पानी पी रहे हैं। देखो और अभी मेरी बच्ची भी वहाँ पे खेल रही थी। ओ बहुत सारे गार्डन में आ गए, क्या बात है। हाय कवे लोग, कैसे हो आप सब लोग? आई नो यू वेटिंग टिल द मॉर्निंग कम्स माय बैड। अरे बाप रे। और ये देखिए दोस्तों, अभी तक ये लोग यहाँ से गए नहीं, यहाँ पे खेल रहे। देखो उनमें से एक छोटू से यही रहा। हेलो बेटू, तू गया नहीं, क्यों यहाँ पे बैठा है? वो तेरा भाई कहाँ गया कालू? उसकी मॉम भी नहीं है, अकेला यहाँ पे बैठा है। देखो और इन लोगों की बहुत ही गंदी आदत है, ये लोग क्या करते हैं, ये जो सीट कवर है ना, उसके सीट कवर के ऊपर अपने नाखून मारते रहते हैं, तो वो नाखून की वजह से सीट फट जाती है। बोलो आज के मुख्य समाचार क्या है, खाने में क्या बन रहा है? आज थर्सडे है। ओ यानी दाल भात। मारे पापा ने नौकरी थी ना, ये बहुत ही जोरदार नौकरी थी। मारे पापा ने महीना ने 1.5 लाख सैलरी थी, 1.5 लाख। हाँ पापा गुजरात रिफाइनरी में नौकरी करता था। हवे हूँ तो यूट्यूबर छू, तो जो के कमाईस चालसे ने मम्मी, 5000 कमाईस तो चालसे ने। 5000 10000 कमाई तो मुझे कमाई वाली। तो केलू कमाईस बेटा मोटी थाई ने 5 रुपया तो बता रहे 1 करोड़ रुपया। देख 1 करोड़ रुपया कमाने की बात करे, मोटी थे तैयार है तो निधि तो 1 करोड़ कमा जाते हैं ना, मार बिक्री तो बनते बहुत जाते निधि तो है निधि। ओ देखो केली लीली लीली भाजी छे, लीला लीला धाणा छे, टमाटर, तो आ बधु कदाच काल माटे तैयारी થાય, કાલને માટે તૈયારી થાય, હા કાલની માટે હા બધું તૈયાર હોય તો પછી મોડું ના થાય। દાદીએ કટિંગ કર્યું, તું શું હેલ્પ કરી દાદીને? બોલ તો કઈ હેલ્પ કરી તું? એ દાદી બોલો તો હેલ્પ કરે એવું?
અદર આંગળો કપાઈ જાય, આ બહુ અઘરું છે શાક ભાજી કાપવાનું. દીદી તને કોણ ગમે, ઓરું ગમે કે પેલા નીચે બિલાડી બચ્ચું બેઠું છે એ ગમે? જે બધી કોણ ગમે, ઓરું કે બિલાડી બચ્ચું? બિલાડી બચ્ચું સૌથી મસ્ત કોઈ ખાવાનું બનાવતા, મારા મમ્મી બનાવતા હતા એકદમ મસાલા વાળું, એકદમ જોરદાર. તો મમ્મી જયારે પેલી કઢી વગેરે કઢી બનાવે ને એ પણ બહુ મસ્ત લાગે, અને રીંગણ બાળકા શાકભાજી પણ એ પણ બહુ મસ્ત બનાવે. પણ ખબર નહીં આવે કેમ નહીં બનાવતા, હવે બધું બંધ કરી એટલે બહુ બનાવે ને. હવે એ તો મીઠું મારો જો, એ તો વઘાર બહુ જો. મમ્મી શું સરસ સરસ બનાવે બેટા, બોલ તો મમ્મી શું સરસ સરસ બનાવે? તને તો યાદ નહીં, મેં બોલું. મમ્મી સરસ સરસ સોયાબીન ની બિરયાની બનાવે, ચીઝ મોમો બનાવે, ચાઇનીઝ નૂડલ્સ બનાવે, ચાઇનીઝ રાઈસ પણ મસ્ત બનાવે છે, બીટ નો પુલાવ છે એ પણ બહુ મસ્ત બનાવે છે, દાળ ભાત પણ સરસ બનાવે. આ પણ ખાલી કઢીમાં મેથી મારે, કઢીમાં. મારું વાઇફ નું કામ છે ઘરમાં જમવાનું બનાવવાનું, મારું બેન નું કામ છે ઘરમાં કપડાં ધોવે, જો ચા બનાવવાનું, દૂધ લેવા જવાનું, એ જવાબદારી છે. અને મારી મમ્મી તો મેં કઈ જવાબદારી આપી નથી, જયારે મન જે મન થાય તે કામ કરવાનું. હા પણ કામ કરવાનું, કેમ કે મમ્મી કામ નહીં કરે ને તો શરીર બગડી જશે. એટલે મેં મારી મમ્મી કીધું છે કામ તો કામ, કંઈક ના કંઈક કામ તો કરવાનું જ. એટલે કયું શરીર આપણું આળતું બની જાય હા ને, મજા ના આવે. એટલે કંઈક ના કંઈક કામ કરું, કામ કરવું કરવું પડે, પણ કહેવાની જરૂર નહીં પડતી, મારી મમ્મી જાતે કામ કરી લે છે બધું. પણ મોબાઈલ હેબિટ બહુ ખરાબ છે મારા મમ્મી ને, એક વાર મોબાઈલ બેસી જાય તો બે ત્રણ કલાક એમ જ જતા રહે. પણ તમે તો ત્રણ ત્રણ કલાક લઈને બેઠા હોય મોબાઈલ લઈને, એવું થોડું ચાલતું હોય. યહાં પે દેખો તડકા માર રહી હૈ મેરી વાઇફ. તો આજ બાપ ને બનાતા દાલ ભાત શેરો, ઓર ક્યા બાકી હૈ, ઓર ક્યા લેકે આ રહી હો? પાપડી લાવ જી લાવ, હમારે વ્યુવર્સ રાહ દેખ રહે કે આજ કા ખાને મેં ક્યા હૈ. અચ્છા એ દેખે પાપડી. તો હો ગઈ ફાઇનલી ડિશ કમ્પ્લીટ, તો દેખ લીજે ગાઈસ, એ મેરી આ ડિશ હૈ, ડિનર કી ડિશ હૈ. ઓર યે આ ગયા હૈ ક્લાસ મેં સે. હાઈ ગાઈસ, કેસા હો સભી લોગ? સો ગાઈસ યહાં પે દેખે નિધિ પઢને કે લિયે બેઠ ગઈ હૈ. તો જસ્ટ અભી હી હમ લોગ એ વાલા જો ડાઇનિંગ ટેબલ હૈ हमने परचेस किया था, यहाँ की एक लोकल शॉप है फर्नीचर की, वहां से हमने ये टेबल परचेस किया था. 1600 रुपए में ये टेबल हमको पड़ा था, ओनली 1600 रुपए में, और बहुत ही अच्छा है, यूजफुल है. यहाँ पे हम लोग खा सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, तरह तरह की गेम खेल सकते हैं, और बहुत ही स्ट्रांग टेबल है. और इसके पर भार देने से ये ऊपर नीचे भी नहीं होता, देखो एकदम स्टेबल टेबल है, कहीं से भी नीचे गिरता नहीं है, एकदम अच्छा है. और इसको फोल्ड भी कर सकते हो, अगर आपको इसको फोल्ड करके साइड पर रखना है तो इसको फोल्ड करके भी रख सकते हो. सो गाइस इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं. अभी मेरे को निधि, तो अभी मुझे निधि को पढ़ाने के लिए बैठना है वहाँ पे, और मेरी वाइफ अभी फ्री हो जाएंगी. तो इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. बाय बाय. आई नो यू वेटिंग टिल द मॉर्निंग कम्स माय बैक, आई जस्ट वांना बी अलोन टू फील फ्री टुनाइट. Could you so many times the one on look back? Tell my friend your heart what I feel inside. It burns me out. It till she wonder how I leave you. There's no tears, tears, my love. I'll cry.